अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी वीडियो। आज मैं आप लोगों को चिकन चिली ड्राई की रेसिपी बताऊंगी। मैंने ख़ुद दो तीन रेसिपीज़ देखी, आई एम नॉट अ शेफ़, और मैंने इससे पहले ये एक दफ़ा बनाया था जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो आसिम के लिए बनाया था, बट वो मैंने कोई रेसिपी फॉलो करके नहीं बनाया था, बस ऐसे ही बना लिया था। लेकिन आज मैं प्रॉपर रेसिपी और सारे इन्ग्रीडियंट्स के साथ बना रही हूँ, तो होप्स हो कि अच्छा बनेगा। तो मैंने सोचा कि रेसिपी भी मैं फ़िल्म करूं, एग फ्राइड राइस के साथ इसको हम सर्व करेंगे। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूं कि हमें इसमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैंने चिकन लिया और उसको इस तरीके से मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया। देन ये मैंने दो चम्मच सिरका लिया है, ये स्प्रिंग अनियन गार्निश के लिए लिया, ये स्किप भी कर सकते हैं। दो टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, ये अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से चॉप कर लिया, अंदाजे से लिए है मैंने। और ये है दो चम्मच सोया सॉस, चिकन क्यूब, ये दो बड़े चम्मच ऑयस्टर सॉस, थोड़ी सी चीनी ली है चुटकी सी स्पाइस को बैलेंस करने के लिए, काली मिर्च है, सेसमी सीड्स ये मैंने गार्निश के लिए लिए हैं, ये भी स्किप कर सकते हैं, और अ लॉट ऑफ ग्रीन चिलीज, क्योंकि चिकन चिली ड्राई है तो बहुत ज़्यादा चिलीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ चिलीज़ के मैंने सीड्स रिमूव कर लिए हैं, कुछ के रहने थे हैं, वो सब के नहीं रख सकती थी, ये ना हो कि सुबह पेचस लगे हों तो आपने बड़ी ध्यान से चिलीज़ लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी है तो आधी चिलीज़ के सीड्स आप रिमूव कर लें, और अदरक लिया गार्निश के लिए। एंड में हम ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले पैन में मैंने चार बड़े चम्मच ऑयल के डाले हैं, अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन चॉप डाल दूंगी और इसको हम तब तक सॉटे करेंगे जब तक इसकी स्मेल नहीं आ जाएगी, और फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। अदरक लहसुन सॉटे हो गया, अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हम तब तक सॉटे करेंगे जब तक इसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन हमारा कुक होना शुरू हो गया है, हमने स्लाइस चिकन लिया है तो वो जल्दी कुक हो जाता है, तो इसको हम अच्छे से सॉटे करेंगे, और जब इसका पानी रिलीज़ होगा तो फिर हम स्पाइसेस और सॉसेस ऐड करेंगे इसके अंदर। ये चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया, अब हम इसके अंदर सॉसेस ऐड करेंगे। सोया सॉस, सिरका सॉस, इसको हल्का सा मिक्स करके अब हम इसके अंदर चिकन क्यूब डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे। चिकन क्यूब भी ऐड हो गया, काली मिर्च भी ऐड हो गई। मेरे पास डार्क सोया सॉस नहीं थी, डार्क सोया सॉस हो तो इसका सही ब्लैक कलर आता है, बट वो मेरे पास नहीं थी, तो अभी इसी से गुजारा करेंगे। चिकन को सॉस में थोड़ी देर कुक करके फिर हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे ताकि स्पाइसेस बैलेंस हो जाएं। सॉस थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू होगी तब हम चीनी ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे ताकि स्पाइसेस बैलेंस हो जाएं। फ्लोर की भी मैंने स्लरी बना ली है, अब हम स्लरी ऐड करेंगे ताकि हमारी जो सॉस है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन है, अब हम इसके अंदर चिलीज और जिंजर ऐड करेंगे। अब हम इसको कुछ सेकंड्स के लिए स्टर करेंगे और सर्व कर लेंगे। एक हाथ से फिल्म करना इज़ नॉट ईजी। इसमें वो डार्क कलर की कमी है, नहीं तो टेस्ट इसका बिल्कुल परफेक्ट है। डार्क कलर इसका डार्क सोया सॉस से आता, वो मेरे पास नहीं थी और ना आसिम को मिली। अब हम इसको स्प्रिंग अनियन के साथ गार्निश करेंगे। ये चिली ड्राई की जगह ना वो ब्लैक पेपर चिकन लग रहा है वैसे लुक से, बट इट्स ओके,
फर्स्ट अटेम्प्ट है तो हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। थोड़ा सा हम सेसमी सीड से भी गार्निश कर देंगे शोही के लिए, समझ रहे हो ना। एंड दिस इज द फाइनल लुक ऑफ आवर चिकन चिली ड्राई, बहुत ही हसीन लग रहा है। इसको गिनियाकी स्टाइल में सर्व किया, एक साइड पे राइस है और एक साइड पे ग्रेवी है। बस मुझे कलर की सेटिस्फेक्शन नहीं है, बट टेस्ट बहुत अच्छा है और हर चीज़ परफेक्ट है, लेकिन कलर जो है ना वो मिसिंग है सोया सॉस की वजह से। अब आसिम से हम टेस्ट टेस्ट करवाते हैं। वेलकम टू गिनियाकी सर। एक्सक्यूज मी, बहुत अच्छा बना, मज़ेदार। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।